हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं पोहा। ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया पोहा बना है। आप इसे कभी भी बना सकते हैं, गरम गरम और ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। पोहा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप पोहा ले लिया है। अब इसे हम धोएंगे। तो धोने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप इसे एक छन्नी लगा दें इसमें, ताकि पोहा नीचे ना गिरे। अब इसमें हम घुमाकर चारों तरफ से पानी डालेंगे, और नीचे मैंने एक बर्तन रख लिया है तो जो बेकार पानी है वो उसमें जाता जाएगा। तो नॉर्मल पानी मैंने इसमें डाला है, ठंडा गर्म कुछ नहीं है, और चारों तरफ से घुमाकर डालना है। तो हमारा पोहा अच्छे से धुल गया है। अभी हमें इसे इसी छन्नी में रखा रहने देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, और इसके नीचे हम एक बर्तन रख देंगे। तो मैं इसमें रख रही हूँ, अभी इसका कोई काम नहीं है तो इसे हम साइड में रख देते हैं। और हम यहाँ पे मूंगफली भून लेते हैं। कच्ची मूंगफली पोहे में अच्छी नहीं लगती तो मैं इसे हल्का सा भून रही हूँ। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। इसे भूनने में हमें करीबन 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट में ये अच्छे से भून जाएगी। तो इसे लगातार चलाते हुए भूने तो हमारी मूंगफली अच्छे से भुन गई है। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में, वरना कढ़ाई का टेम्परेचर हाई है, ये जलने लगेंगी। तो मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल रही हूँ। अभी इन्हें हम साइड में रख देते हैं, इनका अभी काम नहीं है। उसी कढ़ाई में मैं यहाँ डाले हूँ रिफाइंड ऑयल। तो ये हमारा करीबन 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डल गया इसमें। ऑयल को हल्का गरम होने देना है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/2 टेबल स्पून जीरा। जीरा के बाद इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून राई। दोनों चीज़ों को अच्छे से चटक जाने देना है। इसके बाद मीडियम फ्लेम कर लेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज। तो प्याज ये मीडियम साइज का है, इसे हमें हल्का सा भून लेना है ताकि इसका कलर हल्का गोल्डन ब्राउन चेंज हो जाए। मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे भूनना है, वरना प्याज बहुत जल्दी काली पड़ जाएगी तो पोहे में अच्छी नहीं लगेगी। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से ये फ्राई हो गई। अब हम ऐड कर देते हैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पे हरी मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे 5 हरी मिर्च को लंबा कट कर लिया है। अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद तो आप यहाँ पे मिर्च की क्वांटिटी को थोड़ा घटा सकते हैं। इसे भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसका ज़्यादा ये कड़वी ना लगे। तो ये भी हमने अच्छे से फ्राई कर ली। अब इसमें ऐड कर देते हैं हम मूंगफली। तो मूंगफली को भी ऐड कर देते हैं ताकि ये भी फ्राई हो जाए। अब इन्हें हम साथ में 2 मिनट तक ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अब हम ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर। तो ये 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है। थोड़ा सा चला लेंगे और थोड़ा हमें इसे 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से चलाते हुए फ्राई कर लेना है ताकि हल्दी का कच्चापन निकल जाए, वरना वो पोहे में अच्छी नहीं लगती। तो हल्दी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई। अब हम ऐड कर देते हैं इसमें टमाटर। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज का एक टमाटर बारीक चॉप कर लिया है। अगर आपको टमाटर नहीं डालना पोहे में तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, आप बिना टमाटर के बनाएं। तो टमाटर को भी हमें हल्का सा फ्राई कर लेना है जिससे उसका कच्चापन निकल जाए। ज़्यादा उसे नहीं फ्राई करना है वरना वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। टमाटर के बाद ऐड कर देते हैं नमक। तो नमक मैं यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्का सा चला दें तो हमारी सारी सब्जियाँ अच्छे से पक गई हैं, और ज़्यादा इन्हें हमने सॉफ्ट नहीं किया। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं पोहा। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में पोहा रख लिया था। अच्छे से मिक्स कर देना है, और इस टाइम हम लो फ्लेम रखेंगे वरना पोहा नीचे लगने लगेगा कढ़ाई में, क्योंकि मिक्स करने में टाइम लगता है। और इसे अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर देना है ताकि हल्दी पूरे पोहे में अच्छे से चढ़ जाए। तो पोहा हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है।
अब इसमें डाल देते हैं चीनी। तो चीनी मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। उससे पोहा थोड़ा सॉफ्ट भी बनता है और थोड़ा सा उसमें मिठास आ जाती है। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते तो आप चीनी को स्किप कर दें, ऐसे ही आप पोहा बनाएं। अब इसे हम ढक देते हैं 5 मिनट के लिए और मीडियम फ्लेम कर लेते हैं ताकि ये पक जाए। मीडियम फ्लेम में ही हमें इसे पकने देना है 5 मिनट तक। तो 5 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा बीच में इसे चलाना जरूरी है वरना ये नीचे लगने लगेगा। तो थोड़ा चलाने के बाद इसे हम फिर से ढक देंगे 2 मिनट के लिए। ये पक गया है 80%, लेकिन अभी 20% बचा है, तो लो फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट और पकने देंगे। तो अब हम देख लेते हैं, तो पोहा थोड़ा सा चला लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा पोहा बिल्कुल तैयार हो गया है। गैस को ऑफ कर लेते हैं और ऊपर इसमें अब डाल देते हैं हरा धनिया। पोहा हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। ये मैंने चॉप कर लिया था हरा धनिया, ये डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। तो हमारा पोहा बनकर तैयार है। अब इसे मैं एक प्लेट में डिश आउट कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है और बिल्कुल एक एक पोहे बने हैं। तो ये मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। अब इसमें हम ऊपर से डालते हैं कुछ मूंगफली के दाने, ये मैंने रोस्ट कर लिए थे। ऊपर से मूंगफली अच्छी लगती है पोहे में। नींबू निचोड़ देते हैं थोड़ा सा और इसके ऊपर अब डाल देते हैं सेव। तो मैं यहाँ पे थोड़े से सेव डाल रही हूँ, उससे थोड़ा क्रंच आएगा पोहे में। तो हमारा गरम गरम पोहा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। एक बगल में नींबू रख दें और इस तरीके से आप पोहे को सर्व करें। आप इसे ब्रेकफास्ट वगैरह में जरूर बनाएं, बहुत ही कम टाइम में बन जाएगा और बिल्कुल एक एक बनेगा आप इस तरीके से बनाएंगे तो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबा दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए गुड बाय।